बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कैरी का अबशोला बना रही हूँ। देखिए, तो इसका छिलटा निकाल रही हूँ। देखिए, मैं छिलटा निकाल के उसको बना रही हूँ। मैं ये देखिए, मैं कैसा छिल रही हूँ। आलू की चाकू रहती ना, उससे छिल रही हूँ। देखिए देखिए, ऐसा देखिए, ऐसा अच्छा छिल लेना। देखिए, तो मैं इससे पहले छिलटे के साथ में ये बना के बताई थी। देखिए, तो अब छिलटा निकाल के बना के बता रही हूँ। तो ये रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे रोज़ा खोले को तो इतना ज़बरदस्त रहता है। देखिए, ये अबशोला बहुत मज़े का और बहुत टेस्ट रहता है। देखिए, तो मैं ऊपर से ये मोकने का भी निकाल रही हूँ। देखिए, मोरा था नाम का, तो उस कने से भी पूरा ऐसा छिल लेना साइड से पूरा। तो नहीं तो वो दाले तो कसाला बना आता उसका मोकने का। तो मैं पूरा ऐसा छिल ली। देखिए देखिए, ये छिलटा निकाल ली, उसको अच्छा धो ली। देखिए, नल के नीचे ऐसा रख के, ये 5 कैरी का है। देखिए, तो ये ताज़ी फ्रेश कैरी है। देखिए, कली झाड़ से तोड़े सो है ये। तो मैं इसको ऐसा कट कर ले रही हूँ। देखिए, आलू के पीस कैसा कट करते वैसा। तो ये देखिए, अभी बनीच नहीं, देखिए कैरी, तो इसमें बीज है। देखिए, अभी गुठली नहीं बनी है। तो ये 4 कैरियों की बनी। देखिए देखिए, तो ऐसा पूरा मैं ऐसा छिल्ली। देखिए इसको, ये देखिए पूरा निकाल ली। तो वो भी डाल दी मैं, उसको भी मते ना, तो उसका भी अच्छा निकलता। तो मैं देखिए, इसमें अच्छा 4 गिलास के हिसाब से पानी डाली मैं। अच्छा, इसको अब मैं कुकर लगाती हूँ। देखिए, तो इसको 2 सीटियाँ होने दे के 10 मिनट धीमे चूल्हे पर रखती हूँ। देखिए, तो 2 सीटियाँ हो गए, बस 10 मिनट उसको धीमे चूल्हे पर रखी, तो पूरा निकल गया। देखिए, अलग अलग हो गया। तो इसको अच्छा एक आधा घंटा मैं फ़ैन के नीचे छोड़ देती हूँ। देखिए, इसको फ़ैन के नीचे छोड़ के निकाल के बताती मैं आपको। छोड़ दी थी, देखिए आधा घंटा होगा। आधे घंटे के बाद मैं मिक्सर में जूस के जार में डाल के बता रही हूँ मैं आपको। तो ये 2 बार करके मैं पीस रही हूँ। देखिए, तो शक्कर में ये 5, इसमें देखिए आप 1.25 किलो से ज़रा बढ़ के डाली शक्कर। टेस्ट के हिसाब से डालेना अपन शक्कर, कौन कम पीते कौन ज़्यादा पीते मीठा। तो मैं ये 1.25 किलो डाली। देखिए, तो इसको अच्छा पीसी। देखिए, इसको पीस के इसको छन्नी में छान रही हूँ। देखिए मैं, तो ये जो भी रहा ना हरिया हरिया पूरा उसका कैरी का, तो वो पूरा निकल जाता उसका। तो मैम, ये 2 बार करके पीसी। देखिए, मैं उसको एक ही बार में शक्कर डाली, उसके बाद मैं 2 बार करके पीस रही हूँ। इसको पीस के इसको छाने ना, इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का रहता है। देखिए, अबशोला आपको पेट में अगर गर्मी हुए रहे तो भी ये पिए ना, तो इतना ज़बरदस्त होता है, पेट में ठंडा पड़ता है। देखिए, तो ये देखिए गुठलियाँ हैं ना, इसको इस अच्छा मत के उसको हाथ से अच्छा मुट्ठी दे के मत के उसको पूरा निकालिए, तो उसमें से भी एकदम निकलता। देखिए, तो मैं ये 5 कैरियों का है। देखिए, 5 कैरियों का कम से कम ये 3 दिन 4 दिन चलता। देखिए, तो ये 10 से 12 गिलास है। देखिए, ये पूरा, तो एक भगोना है ये पूरा। तो मैं बाद में थम्सअप के बाटला हुए रहते, देखिए उसमें भर के रखती हूँ मैं। ये देखिए, मैं एक गिलास में डाल के बताती हूँ आपको, इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का रहता है। देखिए, हर रमज़ान में मैं बनाती हूँ। देखिए, 3-4 बार मैं एकदम भगोना भगोना बना के रखती हूँ, उसके बाद मैं बाटलों में भर के फ्रिज में रख देती हूँ। देखिए, आसानी रहती है अपन को इफ्तार के टाइम पे। लाइक और शेयर करिए।